हे एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था पेनिनसुला माउंटेन। सो गाइस, उसमें हमने कवर किया था फर्स्ट अरावली माउंटेन, सेकेंड वन इज़ विंध्यन, थर्ड इज़ सातपुरा एंड फोर्थ वन इज़ मेकाल। तो गाइस, ये जो मेकाल हिल है ना, वो सातपुरा का ही एक पार्ट है। सो गाइस, आइए हम ये जो भी हमने माउंटेन देखे है उसे हम मैप में देखते हैं कि वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो सबसे पहले आता है हमारा अरावली माउंटेन। तो हमारा अरावली माउंटेन यहाँ पे लोकेटेड है। सेकेंड वन इज़ विंध्यन, जो विंध्यन है वो यहाँ पे आता है। थर्ड वन इज़ सातपुरा, जो सातपुरा है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ दिस, सेकेंड एंड दिस वन इज़ थर्ड। और जो हमने थर्ड वन देखा था, दैट इज़ मेकाल, वो ये वाला है माउंटेन मेकाल। सो गाइस, आगे के हम जो भी माउंटेन देखेंगे वो है अजंता, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र। ये भी तीन अलग अलग माउंटेन हैं। फिर हम देखेंगे वेस्टर्न घाट, देन ईस्टर्न घाट एंड कुछ छोटे छोटे माउंटेन हैं जो है नीलगिरी हिल, कार्डमम हिल एंड अन्नामलाई हिल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अजंता, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र कहाँ पे आता है मैप में। सो गाइस, जो हमने सातपुरा देखा था, जो तीन पार्ट में डिवाइड था, फर्स्ट वन इज, सेकेंड एंड थर्ड, तो इसी के नीचे आते हैं ये अजंता, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र। ये है वो तीन माउंटेन। फिर हम देखेंगे ईस्टर्न, वेस्टर्न घाट जो यहाँ पे आते हैं। देन हम देखेंगे ईस्टर्न घाट, जो ईस्टर्न घाट है वो भी छोटे छोटे पार्ट में है, वो एक पूरा माउंटेन नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। और जो हमारी ये जो अजंता, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र है, वो भी एक वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न माउंटेन का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अजंता, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र। सो गाइस, जैसे कि जो हमारे अजंता, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र है, तो उसका डायरेक्शन कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट है। जैसे कि हम देखते जो हमारे कैसा है, ये ऐसे हमारे अजंता, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र, तो इसका डायरेक्शन कैसा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ये ईस्ट, ये वेस्ट, दैट इज़ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये ऐसे हमारे माउंटेन हैं। ओके, एंड कैसा, ये वेस्टर्न घाट के इंटीरियर हील माने जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वेस्टर्न घाट्स में ही आते हैं। एंड इसकी जो हाइएस्ट पीक है उसका नाम है कलसुबाई, तो आप ऐसे भी आ सकते हैं, कल सुबह आई, तो उससे आप याद रख सकते हैं, कल सुबह। तो ये हो गया अजंता, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र के बारे में। अब देखेंगे हम वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के लिए जो हमारा देखा था हमने, हमारा जो मैप है, तो इसमें आता है हमारे वेस्टर्न घाट। ओके, ऐसे। नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज सह्याद्री, कुछ बुक्स में इसे सह्याद्री भी लिखा रहता है। इट स्टार्ट फ्रॉम साउथ ऑफ तापी एंड एक्सटेंडेड अप टू कन्याकुमारी। जैसे कि हमने देखा हमारे मैप में, ये कैसी है, ये ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे एक रिवर फ्लो होती है तापी। ओके, तो ये कैसा, इसका साउथ जो पार्ट हो गया, ये साउथ, तो यहाँ से एक्सटेंडेड है, यहाँ से अप टू ये क्या, कौन सा पार्ट है, कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी तक आती है हमारे वेस्टर्न घाट। ओके, नाओ ये कौन कौन से स्टेट को कवर करते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, देन गोवा, देन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये पूरे जो स्टेट है उसको कवर करते हैं हमारे वेस्टर्न घाट। दे फॉर्म द वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू। जो डेक्कन प्लेटू है हमारा, जैसे कि ये हमारा मैप है, ये जो हमारा डेक्कन प्लेटू है ना, उसका जो वेस्टर्न पार्ट है उसको कवर करते हैं ये। देन वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेन फॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून, दैट्स वाई ऑल इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा इंडिया है। ओके, तो ये आते हैं हमारे वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे क्या आता है, अरेबियन सी, ये जो इधर साइड है अरेबियन सी है। ओके, तो कैसा है, जो अरेबियन सी से जो भी मतलब साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, तो यहाँ पे आता है वो, तो ऐसे जाता है, और फिर क्या होता है, ये हमारे जो माउंटेन है वेस्टर्न घाट को टकराता है, एंड इससे क्या होता है, यहाँ पे बहुत हाई
रेनफॉल होती है, लेकिन जो इसके अपोजिट, जैसे कि ये एक माउंटेन है, तो अगर यहाँ पे आ रहे हैं विंड्स, तो यहाँ पे विंड आके यहाँ पे टकराएंगी, लेकिन जो इस साइड है माउंटेन का वहाँ पे बारिश नहीं होगी, तो यहाँ पे हेवी रेनफॉल होती है। ओके, तो जहाँ पे रेनफॉल होंगी तो वहाँ से ही हमारे रिवर ओरिजिनेट होंगे, तो यहाँ से हमारे रिवर ओरिजिनेट होते हैं, दैट इज़ वेस्टर्न घाट से। ओके, तो फर्स्ट क्या है, मन्ना माला एंड मीसा पुली माला, ये दो हमारे वेस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक है। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मन्ना माला एंड मीसा पुली माला। ओके, इट इज़ कवर्ड विथ डेंस रेन फॉरेस्ट विथ वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे रेन मतलब बारिश ज़्यादा होगी, तो जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे फॉरेस्ट भी ज़्यादा होता है और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो ज़्यादा फॉरेस्ट का रीजन कवर करता है एंड वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है। सो ऑल्सो कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ कंट्री, तो उसे क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। ओके, नाओ कस्तूरी रंगन एंड माधव गडगिल आर द इम्पॉर्टेंट कमिटी एसोसिएटेड विद वेस्टर्न घाट। मतलब वेस्टर्न घाट में कमिटी क्यों लगी, जब यहाँ पे हमारा आता है वेस्टर्न घाट। ओके, ये हमारा मैप है, यहाँ पे आता है हमारा वेस्टर्न घाट, तो ये जो रीजन है वेस्टर्न घाट का, तो यहाँ पे कर्नाटक वगैरह रीजन आते हैं, तो वहाँ पे कैसा, जैसे कि हमारे कुछ लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कर्नाटका में मिनरल्स काफ़ी होते हैं, तो वहाँ मिनरल्स है, तो वहाँ पे कैसा जो वहाँ की गवर्नमेंट है वहाँ से मिनरल खोद के बेच रही है दूसरे जगह पे, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी अगर हम वहाँ पे खुदाई करेंगे तो वहाँ के जो प्लांट्स है, क्योंकि वो कैसा वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो कैसा हमें वहाँ का फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा और फिर वहाँ से हमें खोदना पड़ेगा और फिर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो इसके वजह से जो वहाँ के एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट थे, जो भी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री थी, तो वहाँ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेंट की, तो इस वजह से वहाँ पे दो कमेटी बिठाई गई एंड वहाँ पे बैन है माइनिंग, लेकिन अगर वहाँ पे माइनिंग नहीं होगी तो वहाँ की जो भी गवर्नमेंट जो स्टेट है उनको प्रॉपर मनी नहीं मिलेगा और इसके वजह से वो लोग अपनी कंट्री अपने स्टेट को अच्छे से चला नहीं सकेंगे, तो इसलिए वहाँ पे ये जो दो कमेटी बिठाई गई है। ओके, तो ये हो गया अबाउट वेस्टर्न घाट। नाउ वी विल सी ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में क्या आता है, पहले हम देखेंगे मैप में ईस्टर्न घाट आते कहाँ है, जैसे कि ये हमारा हो गया मैप, तो ईस्टर्न घाट आते हैं यहाँ पे, और ये कैसा, ये जॉइंट माउंटेन नहीं है, पूरा एक माउंटेन ही है, ये कैसा माउंटेन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू जवादी हिल्स, शिवरॉय हिल्स, नल्ला मलाय एंड पलकोंडा, तो जैसा मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम रखे गए हैं इसके, जैसे कि ये है हमारा जावदी हिल, दिस वन इज शिवरॉय हिल्स, दिस वन इज नल्ला मलाय हिल्स एंड दिस वन इज पलकोंडा हिल। नाउ हाईएस्ट पीक कौन सी है ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट महेंद्रगिरी, जिंदागाड़ा, अदमा कोंडा एंड गली कोंडा, ये इसके हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की, तो ये हो गया अबाउट ईस्टर्न घाट। नाउ वी विल सी नीलगिरी हिल, तो ये जो तीन है ना वो छोटे छोटे माउंटेन है, सॉरी छोटे छोटे हिल है, यस, तो हम पहले मैप में देख लेंगे, तो ये हमारा मैप, तो जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न घाट थे, यहाँ पे हमारे ईस्टर्न घाट थे एंड ये जो रीजन है बीच में, तो ये हो गया हमारा नीलगिरी हिल, तो ये जो ईस्टर्न घाट्स को और वेस्टर्न घाट को ज्वाइन करती है वो है हमारी नीलगिरी हिल। इट एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट एंड दोदा बेटा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, दोदा बेटा। ओके, नाउ अबाउट कार्डामम हिल, कार्डामम हिल का नाम कार्डामम क्यों बना, इलायची, क्योंकि वहाँ पे कार्डामम कल्टीवेशन ज़्यादा होता था इसलिए उसका नाम कार्डामम हिल पड़ा। एंड लास्ट वन इज़ अन्नामलाई हिल, अन्नामलाई हिल इज़ द हाईएस्ट
अन्नामुडी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। जो इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, अन्नामुडी इसकी हाईएस्ट पीक है और वो पूरे साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। सो गाइस इन दिस वीडियो वी हैव सीन ऑल आवर पेनिनसुला माउंटेन। सो गाइस जैसे कि हमने देखी है, हमने हमारे पेनिनसुला माउंटेन, अरावली माउंटेन, विंध्यन माउंटेन, सातपुरा माउंटेन, मैकाल हिल, अजंता, बालाघाट एंड हरिश्चंद्रा। देन हमने देखा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड जो हमारे छोटे छोटे माउंटेन थे दैट इज़ नीलगिरी, कार्डमम एंड अन्नामला हिल, ये सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। सो गाइस आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ है एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।